मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सूट करता है ये सब। बांटने की राजनीति का नेतृत्व आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते आए हैं। ऐसे में बिहारी हिंदू मुसलमान के नाम पे बटे, अगड़ा पिछड़ा के नाम पे बटे, जैसे भी हो, अगर बिहारियों में आपस में अगर मतभेद होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनीति को ये सूट करता है। पहली बार नहीं है भैया ऐसा। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफील रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफील लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। रामनवमी पर हुई सासाराम हिंसे की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब इसकी तहकीकात की गई तो कहीं ना कहीं इसको अफवाह भी बता दिया गया है। इसको लेकर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान आज पटना पहुंचे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत कुछ सुनाया। बता दिए कि चिराग पासवान ने कहा है कि हमारा प्रदेश चल रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसकी खबर तक नहीं, आखिर वो क्यों चुप है और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, वो सुन रहे हैं आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सूट करता है ये सब। बांटने की राजनीति का नेतृत्व आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते आए हैं। ऐसे में बिहारी हिंदू मुसलमान के नाम पे बटे, अगड़ा पिछड़ा के नाम पे बटे, जैसे भी हो, अगर बिहारियों में आपस में अगर मतभेद होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनीति को ये सूट करता है। पहली बार नहीं है भैया ऐसा कि रामनवमी के दौरान इस तरीके की घटनाएं घटी हैं, पर इन घटनाओं से सबक क्या लिया गया? कोई सबक नहीं लिया गया। परिणाम स्वरूप पिछले 3-4 दिन से मेरा प्रदेश जल रहा है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुख्यमंत्री खुद दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा पिछड़ा, लव कुश, कोरी कुर्मी बांटने की ही राजनीति करते रहे हों, उनको फ़र्क नहीं पड़ता भैया कि कोई दो समुदाय आपस में लड़े मरे, क्योंकि ये बांटते जितना बटेगा बिहारी उतना मुख्यमंत्री जी की राजनीति बेहतर होती है। ऐसे में चिंता इस बात की ज़्यादा बढ़ती है कि जब मुख्यमंत्री जी का गृह जिला तक जल जाता है, जो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाते, किस तरीके से नालंदा के बिहार शरीफ में ये घटना घटी, जो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाए उनसे बिहार की सुरक्षा की उम्मीद रखना जायज़ है क्या? और इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि अब मुख्यमंत्री जी से बिहार संभलने वाला नहीं। ये तो भैया एक रामनवमी के दिन हुई घटना जिसका असर 2-4-5 दिन आप लोगों को देखने को मिला, पर जो रोज़ बिहार में हत्याएँ हो रही हैं, जो रोज़ बिहार में अपहरण हो रहा है, लूटमार हो रही है, जहरीली शराब की वजह से हत्याएं हो रही हैं, उसका क्या? जो मुख्यमंत्री गृह मंत्री होने के बावजूद इन घटनाओं की रोकथाम नहीं कर पा रहे हो, और कहीं ना कहीं भाई मैं तो मानता हूँ कि संरक्षण ही इनका है, जहरीली शराब में कितने गिरोह पकड़े गए, कितने तस्कर पकड़े गए, या जितनी हत्याएं हुई हैं आज तक कितने अपराधी या कितने हत्यारे पकड़े गए? तो जो मुख्यमंत्री खुद संरक्षण देते हों उनसे अब बिहार संभलेगा नहीं, और इसीलिए महामहिम राज्यपाल जी से भी मुलाकात कर और कल एक पत्र के माध्यम से देश के केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी हम लोगों ने मांग की है कि भैया अब और हत्याओं का इंतज़ार हम लोग नहीं कर सकते, और इसीलिए बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। आपने सुना चिराग पासवान ने क्या कहा है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह कहा है कि हमारा प्रदेश जल रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।